सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जायसवाल एंड यू वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज के वीडियो में बात करने वाले कि आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कैसे अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं फ्लिमोरा 9 एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला हूँ। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, इससे पहले आप एडिटिंग में जाए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको उसके लिए एक ग्रीन स्क्रीन लगता है कुछ इस तरीके का कि आप अपना बैकग्राउंड को उससे चेंज कर सको। उसके साथ साथ अगर आप ग्रीन स्क्रीन परचेस कर रहे हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हो। तो आपके पास ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन है या आपने ग्रीन स्क्रीन परचेस कर चुका है तो आपको अब लाइटिंग पे ध्यान देना है, जहाँ पे आपको दोनों साइड में एक एक लाइट होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड में जितना हो सके ये जो शेडोज है वो रिड्यूस हो पाए, कि आपका प्रॉपरली ग्रीन स्क्रीन डिटेक्ट हो और आपको एक प्रॉपर कटिंग मिले वीडियो में। तो वो सब के लिए आपको एकदम रूम में प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद आपको फ्लिमोरा 9 का एडिटिंग सॉफ्टवेयर लगेगा। अगर आपका पहले से है, आपका नॉन परचेज एडिशन है, तो आप उसका लाइफ टाइम फ्री एडिशन को यूज कर सकते हो जो मेरे पास है। यहाँ ऊपर में मैंने बनाया वीडियो डाउनलोड, आप वहां से कर सकते हो, जिसके मैं आपको वाटरमार्क वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। तो आप उसे इंस्टॉल कर लो, और अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। तो आपको फ्लिमोरा 9 अपना ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया उसे इंपोर्ट कर लेना है, अपने बैकग्राउंड को भी इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा बैकग्राउंड है और ये ग्रीन स्क्रीन के साथ रिकॉर्ड किया मेरा वीडियो, जिसको मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अपने बैकग्राउंड को आप डाल लो अपना टाइमलाइन में। तो आप ध्यान देना कि वो टाइमलाइन 1 जो आपका नंबरिंग 1 किया हो आप उसमें डाले हो उसको, फिर आप उसे लॉक कर दो। और जो आपका ये पॉइंटर है उसे आप एकदम स्टार्टिंग पे ले जाओ। देन उसके बाद जो आपका ग्रीन स्क्रीन के साथ रिकॉर्डेड जो वीडियो है उसको आप जो प्लस बटन उस पर क्लिक कर दो और उसे टाइमलाइन 2 पे ऐड कर दो। देखो ये टाइमलाइन 2 पे है। तो आप उसके बाद अपने वीडियो को अपने हिसाब से ट्रिम कर लो जैसे आपको ट्रिम करना है। उसके बाद जो नीचे का लॉक किया था उसे खोल के आप पूरे बैकग्राउंड को स्ट्रेच करते हुए एंड तक ले जाओ ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के। फिर आप अपने जो आपका जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो उस पर आप डबल क्लिक कर लो। फिर आपको साइड में से ऊपर में बस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन एक क्रोमा की का आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको टिक कर देना है। और देखो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, बट बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा फेड है। आप जैसे ओरिजिनल बैकग्राउंड देखो तो उससे काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुका है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑफसेट बोल का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आपको इंक्रीज करके देखना होगा। आप उसे 4 करो, 5 करो, देन अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि और ज़्यादा होगा तो आप 10, 20 करके देखते जाओ। तो उसके बाद आप देखोगे तो थोड़ा सा आपका फेस जो है वो थोड़ा यहाँ पे फेड हो गया है। तो उसको आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टॉलरेंस बोल के, जिसको आपको इंक्रीज करके देखना होगा 50 से 51, 52, 53। ऐसे ऐसे करके आपको सारे एडजस्टमेंट्स अपने इस वीडियो में करना होगा कि आप प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर पाओ। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि आपका ये एडजस्टमेंट ठीक हो चुका है तो वहाँ पे आपको एक फेदर और एज ऑप्शन देखने को मिलेगा, एज थिकनेस, जिसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपके वीडियो में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, साइड में आपको शैडो देखने को मिल रहा है, बॉर्डर एकदम क्लियर नहीं है, तो आप उससे भी एडजस्ट करते हुए उसे ठीक कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से मल्टीपल वे में आपको नंबर्स को चेंज कर करके देखना होगा, ऑफसेट, टॉलरेंस, एज थिकनेस। उसके बाद अल्फा मोड में जाके अपने कटिंग्स को देख सकते हो कि आपका वीडियो में कैसा ग्रीन स्क्रीन को उसने लिया है, या बैकग्राउंड को भी ऑफ करके देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका, अच्छे तरीके से डिटेक्शन ले लिया है। तो उसके बाद आप एज और फेदर को एक बार वापस चेक कर सकते हो कि जो आपका एज का बॉर्डर्स और जो भी फेदर्स है वो प्रॉपरली आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो उसके तरीके से आप उसे भी इंक्रीज और डिक्रीज करके वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपको पूरा वीडियो को देख लेना, अपने हर एक फ्रेम को सही से देख लेना कि हर एक जगह आपका प्रॉपरली ग्रीन स्क्रीन रिमूव हुआ है कि नहीं। उसके बाद आपको कुछ और रिमूव चेंजेस करना है तो आप ब्राइटनेस और अपना कॉन्ट्रास्ट भी अपने वीडियो का चेंज कर सकते हो ऊपर कलर सेक्शन में जाके। तो ये सब एडजस्टमेंट के बाद जब आपका वीडियो प्रॉपर हो जाए तो उसे ओके करके आप एक्सपोर्ट में जा सकते हो। यहाँ पे मैं सेटिंग्स हमेशा अपना बेस्ट पे रखता हूँ, आपको जैसे सेटिंग में रखना है, क्वालिटी में रखना है, वैसे आप रख लो। फिर वीडियो को अपने हिसाब से नेम कर दो, जैसे मैं रख दे रहा हूँ सब्सक्राइब टेक्नो ब्लॉगर। फिर उसके बाद फाइनली जब सारे सेटिंग्स आपका हो गया प्रॉपर तो आप उसे एक्सपोर्ट के लिए क्लिक कर दो। तो ये आपका एक्सपोर्ट एज पर आपका वीडियो का लेंथ या आपका
कंप्यूटर का स्पीड तक लेगा। मेनली मैंने देखा है कि ये ग्रीन स्क्रीन के इफेक्ट को एडिट रेंडर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है नॉर्मल वीडियो से। तो ये हो गया, तो अब हम प्रोड्यूस वीडियो को ओपन करके देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो आपका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलूँ तो आप उसके लिए फिल्मोरा ओपन कर लो। अगर आप अपने टाइमलाइन में और भी बहुत चीज़ एडिट करने वाले हो, बहुत सारे सीन, तो आप क्या करो, अपने बैकग्राउंड और ये ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को एक साथ ग्रुप कर दो। राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ ग्रुप करके आप कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा कि अगर आप सब मूवमेंट करते हो तो ये दोनों ट्रैक एक साथ मूव होगा कि आपको एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस तरीके से अपने टाइमलाइन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरा एडिटिंग देख लिया कैसे करना है, तो फाइनली हमें बैकग्राउंड चेंज वीडियो देखने को मिल गया। तो आपको इसी तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हो। और आपको ग्रीन स्क्रीन परचेस करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से भी परचेस कर सकते हो। और फिल्मोरा 9 के ऊपर एडिटिंग के और भी कई सारे वीडियो आने वाले हैं, उसके ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बटन भी दबाना मत भूलना कि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाओ। उसके साथ कमेंट करके बताना कि आपको फिल्मोरा 9 या एडिटिंग में या कुछ भी नीचे आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या नया वीडियो देखना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।